पाबंदी पर्दे रोक लगाम बंदिशों के बीच रह चुकी पाकिस्तानी सीमा हैदर हिंदुस्तान में रहकर अपनी मन की कर रही है। सीमा जब तक पाकिस्तान में थी तब तक सीमा की मजबूरी घर की चार दीवारों में रहने की थी। रिपोर्ट्स की माने तो सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर सीमा पर काफी जुल्म ढहाते और सीमा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने में पीछे नहीं हटते। सीमा की चीख पुकार घर की उन्हीं चार दीवारों तक रह जाती। आस पड़ोस के लोगों को ये हर दिन का नाटक जैसा लगता। इस दौरान सीमा की एक गेमिंग ऐप के जरिए मुलाकात होती है हिंदुस्तान में रह रहे एक लड़के से जिसका नाम है सचिन। अपने बेरंग जिंदगी में सचिन सीमा हैदर को अपना हमसाथी, हमसफर और हमदर्द लगने लगा। दोनों घंटों बातें करते और सचिन सीमा को अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बताता। सचिन सीमा को बताता कि हिंदुस्तान में महिलाओं की पूजा पाठ की जाती है, कैसे हिंदुस्तान में एक औरत होना बड़े ही गर्व की बात रहती। एक महिला यहाँ रहकर वो सब कुछ कर सकती है जो उसने कभी कल्पना की हो। उसका काम सिर्फ अपने पति और बच्चों को खुश रखना नहीं बल्कि अपने आप को भी खुश रखना है। वो भारत में रहकर अपने मन की कर सकती है, ऑफिस जा सकती है, अपना पैशन फॉलो कर सकती है, हंस खेल और नाच सकती है और भी बहुत कुछ कर सकती है। ये सब सुनकर सीमा का मन विचलित हो जाता। वो सोच में डूब गई थी कि अगर ऐसा है तो यहाँ पाकिस्तान में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, जहाँ उन्हें कुछ समझा ही नहीं जाता है। सीमा अपने लिए ये सब तो नहीं कर पाई लेकिन सीमा अपने बच्चों को इस तरह घुटकर जीने वाली जिंदगी नहीं देना चाहती थी। सीमा को अपने चारों बच्चों से बेशुमार प्यार है और फिर सीमा ने अपने प्यार और अपने बच्चों के खातिर पाकिस्तान से भाग जाने का फैसला किया। सीमा वही सपने देखने लगी जो सचिन उसे फोन पर बातों बातों में बताता। सीमा के अंदर आजादी की एक आग सी धड़कने लगी और उसे पाने के लिए सीमा किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई और फिर उसने अपने इस सपने को आखिर में हासिल भी कर लिया। सीमा भारत आई तो उन्हें जल्द ही अनुभव हुआ कि यहाँ लोग कितने खुले विचार के हैं। यहाँ औरतों की पूजा की जाती है और उन्हें घर में मान सम्मान के साथ रखा जाता है। ये देखते हुए सीमा का सारा डर एक बार में ही छू मंतर हो गया और वो ये बात समझ बैठे कि हिंदुस्तान में सीमा को एक नया जीवन मिलने वाला है। सीमा भारत में खुश रहने लगी हैं। वो सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर अपनी रील्स पोस्ट करती हैं और यूजर्स को हिंदुस्तान में अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में भी बताती हैं। इतना ही नहीं, सीमा अब थिरकने भी लगी हैं। सीमा को बचपन से ही नाच गाने का शौक था लेकिन पाकिस्तान में इन सब की इजाजत नहीं दी जाती थी। लेकिन अब सीमा वो सब कुछ कर रही हैं जो वो पाकिस्तान में नहीं कर सकती थी। सीमा लाल साड़ी पहनकर हरियाणवी गाने में ठुमके लगाती हैं और साथ ही सचिन के घर वालों को भी अपने साथ नचाती हैं। सीमा का ये अवतार बिल्कुल नया और अलग है। सीमा हैदर को देख ऐसा लगता है कि सीमा अब बेहद खुश है और अब वो भारत छोड़ कहीं और नहीं जाना चाहती है। सीमा कहती है जय हिंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।